Hello friends, my name is Nisha. Welcome to all of you in my channel Raise a Kids Blog. I hope you all are doing good. So without wasting your time, let's start the video. So इस टाइम दिल्ली में ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मेरा टॉपिक भी कुछ ऐसा ही रिलेटेड है. तो आपको पता है कि मेरा जो टॉपिक होता है बच्चों के लिए बेस्ड होता है. तो अभी मैं ये जो टॉपिक लेकर आई हूँ उसमें मैं आप ये जानेंगे कि बच्चों को दिल्ली पंजाब इतनी जो इधर नॉर्थ साइड में ठंड होती है उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते. फर्स्ट थिंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों के क्लोथिंग. तो आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि जब बच्चे को आप कपड़े पहनाते हैं तो किसी एक मोटे कपड़े से कवर करने के बजाय हम उसको अगर लेयर्स में कपड़े पहनाएं तो वो बच्चों के लिए बहुत हेल्प करता है. जैसे कि अगर आपने बच्चे के बॉडी में पहले वेस्ट डाला है तो उसके लिए उसके बाद एक कोई छोटा सा नॉर्मल पुराना कोई टी शर्ट हो गया वो जो विंटर में आप पहना सकते हो, जो एकदम बिल्कुल उसकी स्किन फिट हो. उसके बाद आप इनर पहना सकते हो जो जो ठंड में प्रोटेक्ट करने के लिए आती है वो पहना सकते हो. उसके ऊपर फिर से एक टी शर्ट पहना सकते हो, उसके ऊपर एक स्वेटर पहना सकते हो हाफ, उसके ऊपर फिर हाफ एक फुल स्वेटर पहना कर उसके फिर लास्ट में आप एक मोटा सा जो कोई जैकेट या पुलओवर कुछ भी पहनाते हैं वो पहनाइए. इससे बच्चे को पूरी अंदर तक पूरी ठंड लगती नहीं है, वो प्रोटेक्ट रहता है. अगर बच्चे के कपड़े भी उतारते हैं लेयर वाइज अगर या शार दे रहे हैं या स्पंज कर रहे हैं तो इस टाइम पर बच्चे के लिए अच्छा. दूसरी चीज़ है बच्चे को हमें डेली नहाना नहीं है. यस, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, एकदम आइस चील्ड वाटर होता है यहाँ तो. बट बच्चों को हम चीज़ों में स्किप कर सकते हैं. तो मैं यूजुअली क्या करती थी अपनी जब मेरी बेटी छोटी थी, बहुत अभी भी मैं ध्यान रखती हूँ, मैं ऑयलिंग डेली ज़रूर करती थी. तो इसके साथ ही मैं आगे आप देखते रहिए वीडियो, मैं आपको बताऊँगी कि ऑयलिंग हमको कैसे करनी है और कौन सा ऑयल यूज़ करना है. साथ में आपको क्या करना है, जब आप ऑयलिंग करते हैं बच्चे की तो रूम में अगर आपके पास रूम हीटर या ब्लोअर कुछ भी हो आप उसको चलाकर थोड़ी देर पहले रूम को वार्म होने दीजिए. उसके बाद बच्चे के कपड़े हमको थोड़े थोड़े, जैसे मैंने आपको बताया लेयर्स में हम पहनाते हैं तो लोअर भी हम क्या होता है बच्चे पहले एक अंदर अपना ब्लूमर पहनते हैं, उसके बाद फिर एक कोई विंटर वाला कपड़ा पहनाते हैं उसको. या तो आप चाहो तो विनर ठंड वाला कुछ जो प्रोटेक्ट करने के लिए आता है विंटर स्पेशल जो इनर आता है वो पहना दो, उसके ऊपर फिर एक नॉर्मल कोई लोअर पहना दो. तो आप जैसे आप ये उतार रहे हैं तो बच्चे ने कोई शॉर्ट्स है बच्चे को वो पहना दो और उसके बाद ये जो बड़े वाले लोअर से उतार कर बच्चे के लेग्स की मसाज करनी है आपको. उसके बाद फिर आप चाहो तो उसको स्पंज कर दो, थोड़ी देर छोड़ दो, या तो कोई पुराना एक कपड़ा रखो. मेरे हिसाब से एक पुराना कोई एक सेट रखो बच्चे का जो आप ऑयलिंग करते वक्त बच्चे को पहना दें. जैसे मैंने लेग की मसाज की तो मैंने फिर लेग पर वो पुराना वाला लोअर पहना दिया जो ऑयल वाला. और फिर यूजुअली मैं क्या करती थी कि दो या तीन सेट रखती थी बच्चे के लिए, वो पहना दिया और उसको फिर अलग से हैंड वॉश प्रॉपर एक गर्म पानी में थोड़ा डिटर्जेंट डालकर उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो. और पुराने कपड़े होते हैं कलर फेड भी हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ये है कि वो कपड़े ऑयली नहीं रहते हैं. फिर मैंने वो लोअर पहना दिया बच्चे को, फिर ऊपर से कपड़े उतारे. जब उसके हाफ स्लीव्स के कपड़े रह गए तो उसको मैंने हैंड पे पूरा मसाज किया, फिर उसके कमर पे वेस्ट पे बॉडी के फ्रंट पे बैक पे कपड़े उतार कर आपने मसाज की, वो कपड़े पहना दी. 5-10 मिनट के लिए छोड़ दिया ताकि बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाओ ऑयल और अच्छा ही रहे बच्चे के लिए. ऑयल से बच्चों को मॉइस्चर भी मिलता है बॉडी को, वो कर दिया. उसके बाद मैं जनरली एक मग में या फिर किसी एक बोल में आप वाटर ले लो, ल्यूकवॉर्म वाटर ले लो, एक स्पंज वाला कपड़ा ले लो, उसमें थोड़ा डेटॉल में डाल देती हूँ. आप अपने बच्चे को अगर सूट करता है तो वो डाल सकते हैं. मैं जनरली इसलिए डालती थी क्योंकि हम ठंड में जनरली उसको डेली नहीं नहलाते हैं तो उससे क्या होता है कि अब डेटॉल से बच्चा थोड़ा सा ठीक रहता है, हाइजीन मेंटेन होता है. वो करके मैं उसके पूरी बॉडी को पार्ट फिर धीरे धीरे कपड़े उतारते हुए पूरे कपड़े मैं उसके पूरी बॉडी को स्पंज करती हूँ और फिर मैं उसके कपड़े चेंज कर देती हूँ. तीसरी बात आती है बच्चे की फीडिंग से रिलेटेड. तो बच्चे को कुछ भी गर्म या थोड़ा गुनगुना दें, बट हाँ ये होता है सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है कि बच्चे नहीं खाते हैं. और खाने के मामले में तो मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा स्लो है. तो मैं भी क्या करती हूँ कि जैसे बच्चे का खाना यूजुअली ठंडा हो जाता है तो मैं टाइम टू टाइम नीचे एक अच्छा वॉर्म, जैसे मैं कैटल में पानी गर्म करती हूँ डेली हम पीने के लिए यूज़ करते हैं, तो मैं उसमें ज़्यादा गर्म करके एक बड़ा सा बोल लेती हूँ और जो उस बोल में खाना उसका रखा है उस बोल के नीचे वो गर्म पानी वाला बोल हम रख देते हैं और उसको मैं थोड़े थोड़े देर पे चेंज कर देती हूँ ताकि उसका खाना थोड़ा वार्म बना रहे. सेम आपको मिल्क के साथ भी करना है, थोड़ा गर्म दें. हाँ अगर मिल्क में पॉसिबल है तो आप थोड़ा सा हल्दी वाला दूध दे दें. हल्दी वाला दूध कैसे बनाना है ये आगे मैं आपको वीडियो में ज़रूर बताऊँगी, सुनते रहिएगा. और साथ में आप चाहें तो बीच में जैसे जिंजर और जो उसका जूस निकाल कर थोड़ी सी हनी मिक्स करके थोड़ा सा बच्चे को वो कड़वा सा लगता है
और बच्चे प्यूक भी कर देते हैं एट टाइम्स। तो मेरा मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि अगर आपने जूस दिया है 1/4 स्पून, तो आप जो हनी है वो कम से कम उसका डबल देंगे, या फिर हाफ स्पून इसमें मिक्स करके दें। और उसके बाद अगर कुछ आपको थोड़ा सा, एक से आप 1 स्पून बच्चे को गर्म दूध दे सकते हैं तो अच्छा रहेगा। जैसे वो पिला दिया, उसके बाद 1-2 स्पून मिल्क का ऐड कर, या फिर आप एक और हनी का स्पून, हाफ स्पून हनी और उसको पिलाने के बाद एक अलग से ऐड करके बच्चे को दे सकते हैं, ताकि उसकी माउथ का जो टेस्ट है वो बिटरनेस खत्म हो जाए। तो आपको टर्मरिक मिल्क बता रही थी वो कैसे बनाना है। इससे बच्चे का कफ लूज़ होता है, बच्चे जो यूजुअली अपना कफ जो एक्सट्रैक्ट करके निकाल नहीं पाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दूध लेना है, 1 कप दूध लेना है, और उसको क्या करना है, थोड़ा अच्छा गर्म कर लेना, उसमें थोड़ा टर्मरिक ऐड कर दीजिए, टर्मरिक पाउडर, उसको बॉयल होने दीजिए। जब वो लास्ट हो जाए तो उसमें थोड़ी सी जैगरी ऐड कर दें और उसको अच्छे से छान लें, क्योंकि क्या होता है मेरी बेटी तो जनरली वो नहीं ले पाती थी, क्योंकि टर्मरिक में भी जो पाउडर था वो प्यूक कर देती थी। तो आप उसको स्ट्रेन कर सकते हैं अच्छे से, स्ट्रेनर में आप स्ट्रेन कर दीजिए। दूसरी चीज़, जैगरी में भी क्या होता है, जो मार्केट से हम लेके आते हैं उसमें लास्ट में थोड़ा सा जो होता है ना शुगर केन वाला, वो थोड़ा सा कंक्रीट जैसा रहता है, तो वो अगर छान देते हैं तो बच्चा अच्छे से पी लेता है। और जब आप उसको पिला रहे हैं तो गर्म होना चाहिए, आप उसको खुद से पिलाइए, थोड़ा गर्म तो हो, मतलब इतना भी नहीं कि बच्चे का माउथ जल जाए, बट इतना वो ल्यूक वार्म से थोड़ा ज़्यादा हो, और उसमें थोड़ा घी ऐड कर दीजिए, उसके बाद पिलाइए। देखिए बच्चे का कफ जो है बहुत जल्दी एक्सट्रैक्ट हो। साथ ही एक और टिप है, अगर बच्चे को आपने शायर दिलाया, जैसे वीक में हम कभी तो दिलाते हैं, रात में हम प्रेफरेबली दिलाते हैं, क्योंकि रात में क्या होता है बच्चे को शायर दिलाया और उसके बाद बच्चे सोने के लिए चले जाते हैं बेड पे, तो बच्चा पूरा प्रोटेक्ट रहा, उसको बिल्कुल भी बाहर की हवा नहीं लगी और वो गर्म रहा और अच्छे से सुकून से वो सो भी जाता है और उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। बट जब भी हम देते हैं तो आपको अदरक वाला साथ में देना है, अदरवाइज़ एक जायफल होती है, जायफल किसी भी आपको ग्रॉसरी वाले शॉप पे मिल जाती है, जायफल को घिस लेना है किसी चीज़ में, और उसमें 2-3 ड्रॉप, जैसे आप जिस चीज़ पे घिस रहे हैं उस पे 2-3 ड्रॉप ऑयल का डाल दीजिए, मस्टर्ड ऑयल का, और उसके साथ घिस कर बच्चे को स्पून में वो दे दीजिए, थोड़ा सा वो भी कड़वा लगता है, साथ में आप ल्यूक वॉर्म मिल्क दे सकते हैं, ये हेल्प करता है काफ़ी। ये बच्चे जो कफ खुद से नहीं निकाल पाते उनकी पॉटी के थ्रू ये जो होता है रेमेडी वो बहुत हेल्पफुल होता है, उसकी पॉटी के थ्रू जो है कफ निकल जाते हैं। अब बताए तो अब बात करते हैं ऑयल की। तो मैं यूजुअली यूज़ करती हूँ बादाम रोगन तेल जो होता है वो यूज़ करती हूँ ठंड में, और नहीं तो सबसे अच्छी चीज़ है अगर आप वो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये तेल तो मैं बच्चे को यूजुअली लगाती ही लगाती हूँ ठंड में, ये बड़ों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आपको पेन हो रहा है बॉडी में या ठंड लग रही है तो आप ये तेल बनाइए और घर पे ही बनाइए, बहुत सिंपल है ये, जो भी इंग्रेडिएंट्स हर घर में मिल जाता है और बहुत ही हेल्पफुल होता है ये ठंड के लिए। आपको लेना है मस्टर्ड ऑयल और उसमें 4-5, मतलब आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से देख लीजिए, अगर 1 कप आपने मस्टर्ड ऑयल लिया है तो उसमें 7 से 10 आप जो है गार्लिक को पील कर छोटा छोटा कट कर लीजिए, या ऐसे साबुत भी आप डाल सकते हैं, थोड़ी देर पका लीजिए। जब वो थोड़ा पक जाए तो आपको 1/2 स्पून फेन्यूग्रीक के दाने, जो मेथी के दाने होते हैं, वो ऐड करना है, और लास्ट में ऐड करना है आपको जब वो ऑलमोस्ट पक जाए, क्योंकि हम ये लास्ट इसमें इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि आपको गार्लिक को पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, देन फेन्यूग्रीक, एंड देन उसके बाद लेना एस्फोटिडा हींग जिसको हम कहते हैं, जो हर घर में होता है, उसको थोड़ा ऐड करना है। जब अच्छे से पक जाए तो आप उसको छान लें, और छानने के बाद एक किसी भी कंटेनर में, किसी भी बॉटल में उसको स्टोर करके रख लें। जब भी बच्चे को ऑयल लगाना हो या आपको ऑयल लगाना हो, आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने का भी मैं बहुत अच्छा तरीका बता रही हूँ, किसी भी बोल में थोड़ा सा गुनगुना या थोड़ा ज़्यादा गर्म वाटर लें, और जो भी जार आपने यूज़ किया है, मतलब आपको करना है जिसमें आपने रखी है ऑयल बनाकर, उसको उसमें डाल दें ताकि वो ऑयल थोड़ा सा वार्म हो जाए, उसके बाद बच्चे को मसाज करें। ये बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चे को गर्म रखने का ठंड में। दूसरी चीज़ ये है, बच्चे की बॉडी तो गर्म रहेगी रहेगी, जब आप बच्चे को नहला कर आ रहे हैं इसी ऑयल से आप बच्चे को 2-3 ड्रॉप लेकर बच्चे के तलवे पर पूरा मसाज कर दीजिए और तुरंत उसको सॉक्स पहना दीजिए, बहुत अच्छे से बच्चा प्रोटेक्टेड रहता है, उसको ठंड नहीं लगती है। साथ में आप बच्चे के खाने में कुछ ड्राई फ्रूट ज़रूर ऐड करें, अगर बच्चा ऐसे नहीं खाता है तो ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना सकते हैं, इसका लिंक ऊपर में है, आप उस पर चेक कर सकते हैं, मैं उसमें बताया है मैंने कि किस तरह से ड्राई फ्रूट का पाउडर तैयार करना है, बच्चे के हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, उसको गर्म भी रखता है, और ड्राई फ्रूट है तो न्यूट्रिशन तो बहुत ही मतलब प्रचुर है उसमें,
तो आई होप ये आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा है, नया ठंड को दिमाग में रखते हुए अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आप प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, मुझे अच्छा लगेगा आपकी हेल्प करके।